हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पीडब्ल्यूडी का क्वेश्चन पेपर, जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा कंडक्ट किया गया था 19 सितंबर 2021 को। तो इसकी आंसर की जो है वो जारी हो चुकी है। तो इसका पूरा पेपर इसकी आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस क्वेश्चन का क्या आंसर जो है वो यहाँ पर होना चाहिए था। और अपने जो आपने जिन्होंने भी पेपर दिया हो, अपना पेपर ज़रूर इसके साथ मैच करें और देखें आपके कितने मार्क्स बनते हैं, और अपने मार्क्स जो हैं कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर शेयर करें। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि आपको सभी क्वेश्चंस की जानकारी मिल सके। और इस तरह की अपडेट्स आगे भी पाना चाहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। बात करें इस क्वेश्चन पेपर की, तो ये सीरीज़ सी का क्वेश्चन पेपर जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द शेप ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ ग्रेविटी डैम? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, ट्रायंगुलर। नेक्स्ट इज इन स्टोरेज रूटिंग ऑफ अ रिजर्वायर, द स्टोरेज इज मैक्सिमम इन द रिजर्वायर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विद अनगेटेड स्पिलवे? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, इनफ्लो इज इक्वल आउटफ्लो। नेक्स्ट इज द रॉक फिल डैम इज प्रेफर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? तो इसका होगा सूटेबल रॉक क्वारी एंड क्ले बोरो पिट्स आर अवेलेबल नियर डैम साइट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द मैग्नीट्यूड ऑफ कैम्बर इन रोड पेवमेंट इज गवर्न्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? तो ये इसमें कौन सा फैक्टर होता है? बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल एंड नेचर ऑफ पेवमेंट सरफेस। सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज कंप्यूट द लैग डिस्टेंस एज पर द PIEVE थ्योरी बाय अज्यूमिंग डिज़ाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड रिएक्शन टाइम ऑफ 2.5 सेकंड्स। सो राइट आंसर आएगा इसका कैलकुलेट करके 69.50 मीटर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन फॉर अ डिज़ाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर ऑन अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर? तो इसका आंसर आएगा 0.79। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इज एस्टिमेटेड एज सेफ स्पीड लिमिट फ्रॉम क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन डाटा? सो इट इज 85th परसेंटाइल स्पीड। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर्स टफनेस ऑफ एग्रीगेट्स? सो इट इज इम्पैक्ट वैल्यूज टेस्ट, डी ऑप्शन। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द बॉटम टू टॉप अ फ्लेक्सीबल पेवमेंट? तो इसमें आएगा बी ऑप्शन, दिस इज सब ग्रेड, देन ग्रेन्यूलर सबवे स्कोर्स, देन वाटर बाउंड मैकेडम, देन बिल्टअप स्प्रे ग्राउट, देन बिटुमिनस मैकेडम, देन सेमी डेंस कारपेट। विच ऑफ द फॉलोइंग फेलियर इज रिलेटेड विद रिजिड पेवमेंट? सो इट इज मड पंपिंग। नेक्स्ट इज द मेन सी लेवल ऑफ अ परमानेंट बेंचमार्क वॉज 150 मीटर, द फोरसाइट रीडिंग टेकन ऑन अ वर्टिकल स्टाफ कैप्ट ऑन अ बेंच मार्क वॉज 1.50 मीटर वाइल द बैक साइट रीडिंग टेकन ऑन एन इन्वर्टेड वर्टिकल स्टाफ कैप्ट एट द बॉटम ऑफ द रूफ वॉज 1.8 मीटर? वट वुड बी द लेवल ऑफ बॉटम ऑफ रूफ? तो ये आएगा इसका डी ऑप्शन, 153.30 मीटर। नेक्स्ट इज द सेटेलाइट इमेजेस गिव्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लैंड यूज एंड लैंड कवर ऑफ द अर्थ सरफेस, सच डाटा इज प्रोसेस्ड फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन यूजिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स? तो इसके लिए टूल यूज़ किया जाता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एन एम्बैंकमेंट एट 30 मीटर इंटरवल्स आर 20, 40, 60, 50 and 30 मीटर स्क्वेयर रिस्पेक्टिवली, what would be approximate volume of embankment? So this is 5300 meter cube. Next is which of the topographic survey maps procured under different scale would be more accurate? So it is 1:25,000. For a tachometer the additive and multiplying constants are respectively 0 and 100. The maximum permissible limit for fluoride in drinking water is 1.50 milligram per liter. The chemical most commonly used for increasing the speed of sedimentation of sewage is, so this is C option, lime. If the optimistic time, most likely time and pessimistic time for activity A are 4.6 and 8 respectively, what would be expected time
फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी ए सो इट इज 6 days. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सकेबेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिगिंग अंडर वाटर सो इट इज ड्रैग लाइन. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस इन विच क्लोरिनेशन इज डन बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट इज नोन एज सो इट इज सुपर क्लोरिनेशन. नेक्स्ट इज द सीवर विच रिसीव्स द डिस्चार्ज ऑफ अ नंबर ऑफ हाउस सीवर इज कॉल्ड लेटरल सीवर. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज मेट इन गैप ग्रेडेड सॉइल सो इट इज देयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर्सर एंड लाइनर पार्टिकल्स वेयर इन इंटरमीडिएट पार्टिकल्स आर मिसिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज मैक्सिमम प्लास्टिसिटी इंडेक्स सो क्ले विद मोरिलोनाइट मिनरल हैज द मैक्सिमम प्लास्टिसिटी इंडेक्स. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. एज पर इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन एम आई मीन्स सो इट मीन्स इनऑर्गेनिक सिल्ट विद मीडियम कंप्रेसिबिलिटी. बी ऑप्शन. नेक्स्ट इज अ सैचुरेटेड सॉइल हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.6 एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 0.30. वट वुड बी वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल अंडर सैचुरेटेड कंडीशन इज 0.78. What would be the dry unit weight of a soil having unit weight of 1.60 gram per centimeter cube and moisture content of 0.20? So the answer would be D option 1.33. Which type of rollers are suitable for compaction of clay soil? So it is sheep foot rollers. The characteristics of isotropic and soil and non-homogeneous soils refers to, so answer would be C option. Permeability of soil is same at the point in all the directions, however the property is different at different points. In homogeneous earth dam, the upstream face of dam in contact with water represents equipotential surface. The upstream face of the dam is critical under which of the following conditions? Under sudden drawdown condition. The core provided in a rock fill dam consists of clay material. Which of the following methods can be used for estimation of bearing capacity of soil using laboratory test? So it is triaxial test. Which of the following soil has the maximum porosity? So it is clay. D option. What would be critical exit gradient in a soil of specific gravity 2.5 having void ratio of 0.50? So it is 1.0. D option. Due to expulsion of pore water from a saturated soil leads to which of the following? It is increase in shear strength of soil. Number of bricks required for 1 cubic meter of brick masonry is, so it is C option 500. The most commonly used retarder in cement is gypsum. A option. The compaction factor test for cement concrete determines its workability. D option. According to IS specification, the compressive strength of ordinary Portland cement after 3 days should not be less than 16 MPa, that is C option. Effective thickness of a fillet weld is a function of the angle between fusion faces. Maximum bending moment in a beam occurs where shear force changes sign, that is D option. The stiffness of a helical spring is expressed as load per unit deflection. B option. The moment of inertia of a circular disc of radius r and mass m about its diameter is mr square upon 4. A collision is said to be perfectly inelastic if the coefficient of restitution E is 0. C option is the correct answer. The carryover factor in a prismatic member whose far end is fixed is 1/2. B option. Bending moment at any section in a conjugate beam gives in the actual beam deflection. The shape for a solid circular section subjected to bending about its diameter is 1.70. Minimum grade of reinforced concrete for mild exposure condition as per Indian standard code of practice is M20. B option. In general, the proportion of fine aggregate to coarse aggregates in nominal concrete mix are 1:2. B option. The minimum number of longitudinal bars in a circular column as per Indian standard are 6.
विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाउन्स ऑफ न्यू हिमाचल आर मेड द तहसील्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सोलन, कंडाघाट, नालागढ़ एंड कसौली. सो डी ऑप्शन थ्री ओनली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज करेक्ट. सो ए ऑप्शन हेयर इज करेक्ट, दैट इज वन ओनली, द स्टेट ऑफ पंजाब लाइज इन द वेस्ट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन वोटिंग इन द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन ईयर 2007 एंड 2012. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, दैट इज टू ओनली, एंड द टू स्टेटमेंट इज द ट्रेंड इंडिकेट्स दैट वीमेन एक्सरसाइज्ड देयर फ्रेंचाइज मोर देन दैट ऑफ मैन इन द अबव इलेक्शन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टू डिस्ट्रिक्ट शो डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द सेंसस 2011. सो दिस इज शिमला एंड मंडी, डी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हिमाचल प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. सो सी ऑप्शन हेयर इज करेक्ट फॉर दिस, दैट इज थर्ड एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हिमाचल प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. एंड थर्ड एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज The state government constituted it on February 4, 2006 in exercise of powers conferred by Right to Information Act 2005. And third statement is it is headed by the Chief Information Commissioner. Of the state revenue, how much was being spent on the payment of interest in the year 2020 to 2021? According to Economic Survey 2020 to 2021 of Himachal Pradesh, it is about 10%. A option is correct. Find out from the following who is not matched correctly with the place shown in front of his name. So यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा correctly match नहीं है. तो C option यहाँ पे correctly match नहीं है. बाकी जो places हैं, बाकी जो place यहाँ पे बताए गए हैं, जिस नाम के आगे बताए गए हैं उसे वो match करते हैं. तो next question पे आते हैं. Which of the following pair of district of Himachal Pradesh have the lowest शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन बिटवीन 1991 एंड 2001. तो यहाँ पे बताना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट का पेयर है हिमाचल प्रदेश का जहाँ पे लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है बिटवीन 1991 एंड 2001. सो इट इज़ किन्नौर एंड बिलासपुर, बी ऑप्शन. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्लेस इन हिमाचल प्रदेश वेयर द बिल्डिंग ऑफ पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर कंस्ट्रक्टेड. सो इट इज़ मशोबरा, ए ऑप्शन. Which of the following is correct about the HP state's desire to construct the housing unit to the people living below the poverty line during the 9th 5-year plan, that is 1997 to 2002. Correct answer for this is D option, first statement, and second statement is correct. So first statement is the state envisaged to construct 31,000 housing units. नेक्स्ट इज दे वर टू बी कंस्ट्रक्टेड अंडर द गांधी कुटीर योजना. सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट अबव. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैव बॉर्डर्स विद म्यांमार एंड बांग्लादेश. सो इट इज बी ऑप्शन, मिजोरम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है तीन में से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे सही ऑप्शन है सी, दैट इज थर्ड स्टेटमेंट. एंड फर्स्ट स्टेटमेंट हेयर इज करेक्ट अबाउट दिस. व्हाट आर दीज टू स्टेटमेंट्स? फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान 1946. इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवम्बर 1946. And third statement is its constitutional advisor was Sir B.N. Rao. Second statement here is incorrect. Next is which of the following is correct about India's National Education Policy 2020? So correct जो statements हैं यहाँ पे वो है first and third statement, and that is it aims to make transformational reforms in school and higher education, and also it aims to make India's global it aims to make India a global knowledge superpower. Next is, which of the following language was added to the list of major recognized Indian languages by the Constituent Amendment 1967? So the language was Sindhi. C option is the correct answer.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स। यहाँ पे बताना है कि ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो 1947 के बाद हुई है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट नहीं बताई गई है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द रिवर दानूबे फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन द कंट्रीज, तो ये बनाती है बाउंड्री रोमेनिया और बुल्गेरिया के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट द सेकेंड समिट हेल्ड बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप द प्रेजिडेंट ऑफ USA एंड किम जोंग उन द नॉर्थ कोरियन लीडर। सो इस यहाँ पे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है अबाउट द सेकेंड समिट जो हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच में। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है। दैट इज़ इट वॉज हेल्ड इन फेब्रवरी 2019 and it was held in Hanoi, Vietnam. The headquarters of the Comprehensive Test Ban Treaty are established in, this is in Vienna. D option is the correct answer for this. Which of the following country is not in continent of North America? So Brazil is not in the continent of North America. Which of the following is not the Nobel of Salman Rushdie? This is A option, the inheritance of laws. In case of Newtonian fluid, which of the following statement is correct? तो Newtonian fluid के बारे में कौन सी statement correct है? तो B option correct answer होगा। ये जो statement है ये correct है, that is absolute viscosity of fluid remains constant with variation in rate of angular deformation. In static fluid, the pressure on a stationary plane vertical surface causes the center of pressure always below the centroid of the plane surface. The correct reasoning of the said statement is C option, the pressure increases linearly with depth below the free surface. The ratio of inertia force to viscous force is known as Reynolds number. A option is the correct answer. The observed mean flow velocity of water in a pipe of 5 cm diameter was found to be 10 cm per second, but would be the value of the Reynolds number for above flow condition. So answer is 5000. The mean flow depth and mean velocity in a rectangular channel were found to be 1.0 meter and 0.60 meter per second respectively. The flow condition in the rectangular channel can be classified as subcritical. A option is the correct answer. The head of flowing liquid the head of a flowing fluid is termed as energy per unit weight of flowing fluid. What would be the momentum correction factor for an ideal fluid flowing in a pipe? So it is D option 1.0. The coefficient of velocity and coefficient of discharge of an orifice are 0.96 and 0.60 respectively. What would be the corresponding value of coefficient of contraction of the same orifice? So 0.625. In smooth turbulent flow, the friction factor is dependent on which of the following factor? So it is dependent on Reynolds number. Compute total pressure force acting on a vertical cross section of a right angled triangular channel section having uniform water flow depth of 3.0 meter. Correct answer for this is 88.29. Specific energy concept is applicable for which of the following situation? So applicable hoga ye steady uniform flows ke liye. Surges in open channel is classified as unsteady rapid varied flow. M2 gradually varied flow profiles are having which of the following characteristics? So drop down with subcritical flows. B option is the correct answer. A dam was created on a mild sloped river. What kind of profile is expected in downstream of dam on the riverbed? So it is C option M3. The base flow component includes which of the following? D option groundwater flow and delayed interflow. What would the intensity of excess rainfall that would be represented by a unit hydrograph of 4-hour duration, so it is 0.25 centimeter per hour. Rational formula is applicable under what condition in prediction of flood for storm of duration 1 hour? So it is B option. The time of concentration of at catchment outlet should be lesser than 1 hour. The recurrence intervals
फॉर अ फ्लड ऑफ मैग्नीट्यूड 20,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड इन अ रिवर वर ऑब्जर्व टू बी 4 years, 6 years, 5 years, 5 years and 10 years इन अ टाइम स्पैन ऑफ 30 years, वट वुड बी द रिटर्न पीरियड फॉर द फ्लड ऑफ मैग्नीट्यूड 20,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड इन द सेम रिवर. सो टाइम वुड बी सी ऑप्शन 6 years. इन हाइड्रोलॉजिकल राउटिंग स्टोरेज टाइम कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर पासेज ऑफ फ्लड वेव फ्रॉम अपस्ट्रीम सेक्शन टू डाउनस्ट्रीम सेक्शन. द ड्यूटी ऑफ अ कनाल नेटवर्क वुड बी मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन. सो इट इज हेड ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड द फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ऑफ एन इरीगेशन फील्ड वर ऑब्जर्व टू बी 0.30 and 0.10 रिस्पेक्टिवली. कंप्यूट द मॉइस्चर कंटेंट फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ फॉर द सेम फील्ड बाई अज्यूमिंग रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर इज 75% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर. द आंसर वुड बी 0.25. विच ऑफ द फॉलोइंग पोरस मीडिया हैज हाई स्पेसिफिक यील्ड. सो इट इज सैंडी. स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वेल रेफर्स टू डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन ऑफ द वेल. इन अ ग्रेविटी डैम अंडर फुल रिजर्वायर कंडीशन टेंसाइल स्ट्रेस इज एक्सपेक्टेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन. दैट इज हील ऑफ द डैम. हाइड्रोलिक जम्प टाइप एनर्जी डिसिपेटर इज यूज इन स्पिलवेज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. डी ऑप्शन टेल वाटर कर्व फॉलोज द जम्प हाइट कर्व. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेज ऑफ फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर आर मेट. इट रिड्यूसिस द फ्लड पीक एंड काउज टाइम लैग इन द फ्लड इन डाउन स्ट्रीम चैनल. द कनाल फॉल्स आर नीडेड इन द कनाल नेटवर्क. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन तो कंडीशन रहेगी डिजाइन स्लोप इज स्मॉलर देन अवेलेबल ग्राउंड स्लोप. एंड वट इज द शेप ऑफ लेसेज रेजीम चैनल. इट इज सेमी इलिप्टिकल. वट वुड बी एग्जिट ग्रेडियंट फॉर अ परमिएबल फाउंडेशन इन एबसेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम पायल इज इन्फनाइट. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मैक्सिमम क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज एक्सपेक्टेड. सो इट इज बी ऑप्शन काउंटर कनाल. सो ये था पूरा पेपर जो कि था असिस्टेंट इंजीनियर सिविल PWD का. कंडक्ट हुआ था 19 सितंबर 2021 को. तो आपके जिनके भी जितने भी मार्क्स हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें. और बाकी भी अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें. और इस तरह के अपडेट्स आगे पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में.